हे गाइस, आज लेके आ गए हमारी आज की टेक और ऑटोमेशन अपडेट्स को लेके। दोस्तों काफी अच्छे अपडेट आए हैं रोज की तरह। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, सैमसंग की तरफ से कल लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 4 और जी फ्लिप 4। ये दोनों फोन जो है दोस्तों इंडिया में सितंबर के मंथ में आ सकते हैं, ऐसा सैमसंग की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मिल रही है। प्रॉपर सैमसंग ने नहीं बताया, लेकिन कुछ कंफर्मेशन बीच में से मिल रही है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। आई होप कि जितने प्राइजेस बाहर यूरोप साइड अमेरिका साइड लॉन्च हुए हैं उतना ही इंडिया में आए, बाकी देखते हैं। वैसे दोस्तों सैमसंग की तरफ से उनकी वॉच 5 सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है कल। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये लगाई गई है कि इसके अंदर आपको गूगल मैप मिल जाएगा वेयर ओएस के अंदर। दोस्तों ये वॉच आती है वेयर ओएस के साथ में, इसका प्राइस स्टार्ट होता है कुछ 22,100 रुपीज। तो दोस्तों अब इंडिया में देखते हैं क्या प्राइस आता है, सितंबर के मंथ में ही लॉन्च होगी, लेकिन इसके अंदर आपको गूगल मैप का सपोर्ट मिलेगा। वैसे गाइस आज मोटोरोला की तरफ से उनका G62 5G फाइनली लॉन्च हो चुका है इंडिया में। काफी अच्छा फोन निकल के आया है, 6.50 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अभी आ जाता है। इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 मिल जाता है, इसीलिए ये 5G फोन है। बाकी दोस्तों अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का, 6GB की रैम, 128GB का पहला वेरियंट आपको मिल जाएगा। 17999 से पहला उसका वेरियंट स्टार्ट होता है, यानी कि 18,000। अब दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। एंड्रॉइड 12 बेस्ड ये फोन है और इसके अंदर आपको 20W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो ओवरऑल पैकेज देखें तो काफी अच्छा है मोटोरोला की तरफ से। सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पर, चार्जर मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, 20W का रखा है, बाकी काफी अच्छा फोन है, जो भी लोग ट्रैक कर पाएंगे जल्दी। और दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले बताया था कि गवर्नमेंट जो है शायद चाइना के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, चाइना के स्पेशली स्मार्टफोन्स आते हैं, उनको बैन कर सकते हैं अंडर 12,000 की कैटेगरी में। लेकिन आज एक अपडेट निकल के आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से कंफर्मेशन मिल चुका है कि ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। अब दोस्तों यहां पर ये दो अपडेट्स एक साथ आए, मतलब कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बैन करने वाली है, आज कह रहे हैं गवर्नमेंट बैन नहीं करने वाली है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ तो बात चल रही है चाइनीज स्मार्टफोन्स को लेके। अब दोस्तों देखते हैं क्या निकल के आता है अपडेट। लेकिन आज गवर्नमेंट ने ये कुछ कंफर्मेशन दी है कि हम चाइनीज स्मार्टफोन को बैन नहीं करेंगे 12,000 की कैटेगरी के नीचे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट अभी सही बोल रही है, ये पहले जो अपडेट निकल के आए थे वो सही थे? वैसे गाइस आप बता दूं मोटोरोला की तरफ से इंडिया में तो आज G62 लॉन्च हुआ है। मोटोरोला की आज सबसे बड़ी लॉन्चिंग थी वर्ल्ड वाइडली चाइना के अंदर, क्योंकि दोस्तों चाइना में आज मोटोरोला की तरफ से X30 Pro, S30 ये दो फोन स्मार्टफोन जो है लॉन्च हुए हैं। अब बता दूं यहां पर X30 Pro दुनिया का पहला स्मार्टफोन बन चुका है जिसके अंदर आपको मिलेगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों काफी जबरदस्त चीज है, मतलब बहुत ही बढ़िया फोन साउंड निकल गया है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो हैरान कर देने वाला प्राइस है, 43,600 रुपीज रखा गया है स्टार्टिंग प्राइस, 8GB 128GB का वेरिएंट। अब दोस्तों ये चाइना में लॉन्च हुआ है तो इंडिया में जो है ये किसी और नाम से आएगा, अगर आएगा, वैसे तो आएगा लेकिन किसी और नाम से आएगा, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। पर दुनिया का पहला 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों देखते हैं कितनी ज्यादा क्लियरिटी आती है। इसके अंदर वही सेंसर यूज किया गया है जो सैमसंग ने लास्ट ईयर अनवील किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जिसकी फोटो और वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। दोस्तों काफी अच्छी बात है, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे बता दूं OnePlus की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है, OnePlus 10T 5G का एक नया वेरियंट आने वाला है इंडिया में, 16th August को जाने वाला है सेल पे, और ये होगा 16GB वाला वेरियंट। इसका आपको प्राइस पड़ेगा 59999 का, तो यानी कि 60,000 रुपीज का। तो वेरिएंट तो काफी बड़ा है, 16GB की रैम हो जाएगी, बाकी ओवरऑल स्पेक्स सारा वो सेम रहेगा, सिर्फ एक रैम बढ़ जाएगी। और गाइस अगर आप गूगल मीट का यूज करते हो तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रहा है, रोल आउट होना शुरू हुआ एक नया फीचर, एक नहीं बल्कि काफी अच्छे फीचर। दोस्तों यहां पर आप जो है लाइव शेयर कर सकते हो अपने फीचर्स को दूसरों के साथ में, मिलके आप लाइव कंटेंट के ऊपर एक्शन कर सकते हो, मतलब आप रिएक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बेसिकली आप कंटेंट को रिएक्ट करने के, इंटरेक्ट करने के अलावा गेम्स भी प्ले कर सकते हो एक साथ मिलके, तो काफी अच्छी बात है। मतलब आप, मैं, हम सब मिलके, मान लीजिए 2-4 लोग जो हैं गूगल मीट के ऊपर लाइव वीडियो कॉल के ऊपर है, तो हम लाइव गेम्स भी प्ले कर पाएंगे, काफी जबरदस्त चीज है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये फीचर जो है रोल आउट होना शुरू हो चुका है, देखें कब तक यूजर्स तक पहुंचता है ढंग से, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है, पर फिर भी काफी अच्छी बात है। सो गाइस अब आई होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला और काफी बढ़िया अपडेट निकल के आ रहा है वोल्क्सवैगन और स्कोडा की तरफ से। बेसिकली इंडिया के अंदर दोस्तों ज्यादातर गाड़ियों में अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा
स्कोडा की या वॉल्सवैगन की, मैंने आपको बताया था चिप शॉर्टेज की वजह से उनके अंदर काफी सारे फीचर्स को हटा दिया गया है। इवन टच डिस्प्ले वगैरह भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा था कि जब इसकी शॉर्टेज जो है वो पूरी हो जाएगी, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, तब जो है आप अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करवा पाओगे, जिसमें वो सारे फीचर जो हटाए गए हैं वो एड ऑन कर पाओगे या टच स्क्रीन वगैरह लगवा पाओगे। अब दोस्तों यहां पर जो है शॉर्टेज कम होती नहीं दिख रही है, इस वजह से इंडिया के अंदर ऐसा एक नया अल्टरनेटिव चिप ढूंढा जा रहा है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि या तो वो अपने चिप मैन्युफैक्चरर को चेंज कर देंगे, जहां से वो चिप्स मतलब वो मदरबोर्ड या चीजें लेते हैं उनको चेंज करेंगे, या फिर अपने सिस्टम को रीडिजाइन करेंगे जिसमें हो सकता है कि कम चिप्स की जरूरत पड़े या कुछ और। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। इसका मतलब यह है कि आपको ये सारे फीचर दोबारा से देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे जल्दी ही, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि अब अगर अपना खुद का रीडिजाइन करेंगे तो कार्स में चेंजेस होंगे। देखते हैं क्या निकल के आता है। और दोस्तों टाटा सफारी को स्पाई करते हुए देखा गया, उसकी इमेज यहाँ पे सामने निकल के आई है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख बताइएगा आपको दिखने में कैसी लग रही है। वैसे गाड़ी तो कवर्ड ही होती है। यहाँ पर आपका जो सफारी आएगी इस बार आपको एडास फीचर मिलने वाला है, 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा, इसके साथ में मिरर कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे जिसके अंदर आपको विजिबल होगा ग्रिल या बंपर के ऊपर भी। इसके साथ में दोस्तों बता दूं, अगर मैं इंजन की बात करूं, पावर की बात करूं या टॉर्क की बात करूं, वो सेम ही रहेंगे, उनमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यानी कि कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा डिजाइन में फर्क आ सकता है, अदरवाइज आपको ज्यादा कुछ अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। सेफ्टी फीचर थोड़े से ऐड हो रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका प्राइस कितना ज्यादा, क्योंकि थोड़े से भी फीचर डालने पड़ते हैं तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही। देखते हैं क्या निकल के आता है। हाँ दोस्तों आपको बता दूं 2022 की Audi Q3 इसकी बुकिंग ओपन हो चुकी है। इसमें दो ट्रिम आए हैं, यानी कि दो वेरियंट्स दोस्तों, ये होंगे प्रीमियम प्लस और एक होने वाला है टेक्नोलॉजी ट्रिम। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़े थोड़े फीचर्स मैं आपको लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिएगा और पढ़ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, जो ये बुकिंग शुरू हुई है इसकी अमाउंट आपको पड़ेगी 2 लाख रुपीज, यानी कि 2 लाख रुपए देके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हो। इसके अलावा मैकेनिकली बता दूं तो 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आने वाला है दोनों ही गाड़ियों में। देखते हैं और कुछ अगर एड ऑन होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहां पर मैंने फीचर्स की लिस्ट लगा दी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं BMW की, तो BMW की तरफ से M4 कॉम्पिटिशन 50 जाहर एम एडिशन, ये स्पेशल एडिशन है, आई लॉन्च कर दिया गया इंडिया में 1.53 करोड़ रुपीस के अंदर। यहां पे बता दूं जो M4 कॉम्पिटिशन आती है उससे आपको 9 लाख रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे इस गाड़ी के लिए। अब दोस्तों यहां पर आप बताऊं मैकेनिकली या मतलब इंजन की पावर, इंजन या फिर उसका टॉर्क, कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम है। आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि डिजाइन में फर्क आएगा, कलर चेंज होगा, अलॉय अलग हो सकते हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों गाड़ी काफी अच्छी है क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है तो लिमिटेड ही होगा, बाकी देखते हैं और क्या कुछ निकल के आता है। पर दोस्तों गाड़ी काफी अच्छी है, जो भी लोग ट्राई करते कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों यहाँ बता दो, 2 व्हीलर्स के अंदर अपडेट निकल के आ रहा है कावासाकी की तरफ से। कावासाकी ने अपनी 2 बाइक्स को अनवील किया है, 2 प्रोटोटाइप है बेसिकली, एक तो है इलेक्ट्रिक और एक है हाइब्रिड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दोनों ही पिक्चर शो कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, दिखने में काफी अच्छी लग रही है। जो इलेक्ट्रिक है वो काफी स्लिम है और जो हाइब्रिड है वो थोड़ी सी आपको हैवी लगेगी दिखने में, लेकिन हाइब्रिड के अंदर आपको 2 तरह के इंजन मिल जाते हैं, मतलब एक इंजन मिलता है पेट्रोल वाला और एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिल जाती है, क्योंकि वो कंबाइन होता है, हाइब्रिड का मतलब यही होता है। और इलेक्ट्रिक वाले में प्योर इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। इसमें आपको ज्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कंपनी ने कोई डिटेल बताई नहीं है, सिर्फ उन्होंने इस प्रोटोटाइप को शो किया। उनका एक सुजुका 8 आवर्स एंड्योरेंस रेस होता है जापान के अंदर, वहां पर उन्होंने इन 2 बाइक्स को शो किया। काफी सारी बाइक्स होती है लेकिन इनमें 2 स्पेशल प्रोटोटाइप सामने निकल के आए हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे आप बताऊं कावासाकी की तरफ से जो ये बाइक्स आने वाली हैं, हो सकता है कि ये आपको 2024 तक देखने को मिले। बाकी दोस्तों प्रोटोटाइप है, चेंजेस भी हो सकते हैं, बाकी देखते हैं। और दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। रॉयल एनफील्ड की तरफ से दोस्तों उन्होंने कह दिया है कि अगले आने वाले कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 साल तक आपको कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक देखने को नहीं मिलेगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से। पहले दोस्तों कुछ अपडेट निकल के आ रहे थे कि रॉयल एनफील्ड शायद कोई बाइक लॉन्च कर सकता है, लेकिन आज रॉयल एनफील्ड ने कंफर्म कर दिया है कि 2025 तक तो मिनिमम आपको कोई बाइक नहीं देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक में। उन्होंने कहा है कि वो पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर काम करेंगे, डेवलप जरूर करेंगे, अपनी लैब्स के अंदर उनको टेस्ट भी करेंगे, लेकिन जब तक वो इस चीज में मास्टर्स नहीं पा लेते हैं तब तक वो लॉन्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं चाहते हैं। जैसे होता है आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटीज आती है जिनमें काफी सारे फीचर जो होते हैं वो नहीं काम कर रहे होते ढंग से या कुछ और प्रॉब्लम वगैरह आती रहती लोगों को, तो उन्होंने कहा है कि जब तक हमें मास्टर्स नहीं हो जाती है तब तक हम लॉन्च नहीं करेंगे।
ये दोस्तों काफी अच्छा डिसीजन है मैं कहूंगा कंपनी का। मतलब पहले सारा कुछ एकदम अच्छे से टेस्ट किया जाएगा, अच्छे से तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उसके बाद ही मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, रॉयल एनफील्ड का ये डिसीजन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों अपडेट यहीं पे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।